नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ रॉनिक चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं आज जैसे कि अपना क्वार्टर थ्री रिजल्ट की सीरीज चलते हैं उसके अंदर टीटी लिमिटेड का भी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज ही आया आज उन्नीस जनवरी और रात के साढ़े बज रहे हैं तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो शेयर के अंदर नई टैरेट्री के अंदर नए लेवल देखने को मिलेंगे शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी तेजी की वजह से क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब करो अपने चैनल को सब्सक्राइब किया पहले का बजा है ना बिल्कुल ना बोले तो टी टी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं टी टी का नाम बेसिकली अंडर गारमेंट के नाम अंडर गारमेंट के जो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट होते हैं जो क्लॉथ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा फेमस है टी टी गारमेंट टी टी गारमेंट के बारे में एवरी वंस नो टी टी का मेनली अंडर गारमेंट के साथ साथ और भी वेंचरों में काम करते हैं ये गारमेंट्स के साथ साथ फैब्रिक के अंदर भी यान के अंदर भी है कॉटन के अंदर भी है और एग्रो कमोडिटी के अंदर लाइक पैक फूड आइटम के अंदर ये लोग ठीक है ना इनके प्रोडक्शन इस तरह से इनके क्लॉथिंग भी होता है टी, -टी के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट देखिए क्लॉथिंग के अंदर तो टी, टी का नाम है और अंडर गारमेंट के अंदर टी टी नंबर वन पे चलता है टी टी एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट रहता है टी टी का ट्रस्ट रहता है एक तरह से कंज्यूमर का ट्रस्ट है टी टी के ऊपर और टी टी गारमेंट के ऊपर तो कोई सवाल जवाब तो है नहीं उनके प्रोडक्शन के उनके एरिया उनके वर्किंग के ऊपर तो इनका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है उसके बारे में बात करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए देखिए पीपी किट भी बनाते हैं ये लोग होम टे, टेक्सटाइल भी बनाते हैं इस तरह के लोग काम कर रहे हैं तो इस तरह के कई सारे वेंचरों में अब टी टी टेक्स टी टी लिमिटेड काम कर रहा है अब टी टी लिमिटेड का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए है आज ही इसका आउटकम निकल गया है क्वार्टर थ्री रिजल्ट का तो टेक्सटाइल के रिजल्ट सारे अल्टीमेट देखने को मिला टेक्सटाइल टेक्सटाइल के रिजल्ट और टेक्सटाइल को पी स्कीम का जो सपोर्ट मिला उससे और भी और रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करा है और कंपनियों का अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग तरफ तो जारी सारी सारे देखिए रिजल्ट जो आया था इसका चार बजे मीटिंग कंडक्ट होती थी साढ़े पाँच बजे आउटकम निकला था मार्केट बंद होने के बाद एन एस सी एस सी दोनों पर रिजिस्टर है टी टी लिमिटेड तो उसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जो आया था उसके अर्निंग से बात करें देखिए लैक्स के अंदर इसकी अर्निंग है तो इस क्वार्टर में इसको अर्निंग हुई है एक हज़ार ग्यारह हज़ार नौ सौ पैंतीस लाख की लास्ट क्वार्टर में अर्निंग थी ग्यारह हज़ार सात सौ चौरानवे लाख की और लास्ट ईयर थी ग्यारह हज़ार नवासी लाख की तो देखेंगे ईयर ईयर वाई भी सेल में इजाफा देखने को मिला है और क्वार्टर क्वार्टर वाई भी सेल में इजाफा देखने को मिला है ए वाई अराउंड हमारे को ईयर रेयर वाई अराउंड हमारे को अट्ठारह परसेंट पंद्रह से अठारह परसेंट इजाफा देखने को मिला हमारे सेल के अंदर क्वार्टर क्वार्टर वाई भी हमारे को दस दस परसेंट के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है तो मोटा मोटा क्या है कि सेल में इजाफा देखने को मिला बहुत अच्छी बात है कि कंसल्टेंसी कंपनी की रेवेन्यू में रेवेन्यू बढ़ रहा धीरे धीरे देखिए क्वार्टर क्वार्टर वाइज सेल अच्छी आई है ये कोर्ण... और ये रिवाजी ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी सेल में इजाफा देखने को मिल रहा है देखिए लास्ट ईयर सेल थी ग्यारह हज़ार एट्टी नाइन और वो बढ़ के हुई है ग्यारह हज़ार नौ सौ पैंतीस तो सेल में इजाफा है पूरा पूरा नौ सौ लाख का इजाफा देखने को मिल रहा है हमारे को तो लास्ट लास्ट क्वार्टर सेल थी ग्यारह हज़ार सात सौ चौरानवे बढ़ के हुई रहा 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 रहा। रहा है ग्यारह हज़ार नौ सौ पैंतीस तो दो सौ लैख का बेनिफिट यहाँ देखने को मिल रहा है अब चलते टोटल तो एक्सपेंस के तो इस क्वार्टर में इनका एक्सपेंस आया ग्यारह हज़ार सौ और लास्ट क्वार्टर में ग्यारह हज़ार दो सौ और लास्ट ईयर पे दस हज़ार सात सौ तो एक्सपेंस में ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं देखने को मिला थोड़ा बहुत मार्जिन देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर ये और ईयरवाई भी अब देखिए इनको प्रॉफिट जो आया टोटल तो ऑपरेशन प्रॉफिट जो इनको निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑपरेशन प्रॉफिट इसमें चार सौ छः पॉइंट तैंतीस लाख का आयास वाला ऑपरेशन प्रॉफिट और लास्ट क्वार्टर में ऑपरेशन था प्रॉफिट पाँच सौ बीस लाख का और लास्ट यह था तीन सौ पचहत्तर तो ईयर रही प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारे को ठीक है और क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ऑपरेशन प्रॉफिट में अब चलते हैं इसके नेट प्रॉफ़िट की बात हो तो इस क्वार्टर में इसको नेट प्रॉफिट हुआ सात चार सौ तेरह लाख का और लास्ट उसमें क्वार्टर में प्रॉफिट था पाँच सौ इकतीस लाख का और लास्ट ईयर था एक सौ सतहत्तर लाख का तो प्रॉफिट में बात करें नेट प्रॉफिट ईयर ईयर में ग्रोथ देखने को मिली हमारे को अच्छी खासी तो लास्ट ईयर प्रॉफिट था एक सौ सतहत्तर से बढ़ के हुआ चार सौ तेरह लेख का हुआ लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था पाँच सौ इकतीस से बढ़ के घट के चार सौ तेरह हुआ अब ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में आई है वन पॉइंट एटी नाइन तो लास्ट क्वार्टर में ईपीएस था टू पॉइंट फोर्टी टू तो ई पी एस ई क्वार्टर क्वार्टर वाइज डाउनफॉल देखने वाला ईयर ईयर ईरवाइज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है तो ज़ीरो पॉइंट एट्टी थ्री तो देखिए लास्ट ईयर ई पी एस था जीरो पॉइंट एट्टी थ्री वो बढ़ के हुआ जीरो पॉइंट वन एट्टी पूरा पूरा वन एक परसेंट का यानी एक एक परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली ई के अंदर तो देखिए मोट मोवरऑल तो कहानी है कि इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया उसके अंदर सेल में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला, ये ये वो देखने मिला हमें क्वार्टर कॉटर कॉर्टर प्रॉफिट अप डाउन देखने को मिला बट मेरा हमेशा कहने का मतलब ये रहता है जिस कंपनी की सेल होगी वो अपना अपना प्रॉफिट और आगे का उसका फ्यूचर अच्छा होगा क्योंकि देखिए जब तक तो उनका प्रोडक्ट भी बिकेगा तो उनके रेवेन्यू अच्छे जनरेट नहीं होंगे तो उनका प्रॉफिट अर्निंग कैसे वो डिफाइन करेंगे तो बेन क्या होता है किसी भी कंपनी की सेल और सेल का इंपैक्ट आप देखने कल के दिन इस शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी अब जो यहाँ से लेवल बताऊंगा उसमें और भी अप

ये इनके एक और इन्होंने एड ऑन करी एक और इनकम इसके अंदर तो इस वजह से इनको इनकम भी थोड़ा बड़ा देखने को मिली हमारे को बाकी इन्होंने किसी तरह का डिविडेंड नहीं दिया है बाकी क्वार्टर क्वार्टर वाई ईर ए कंपनी के सेल में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट में और ईयर ए काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है रिजल्ट अकॉर्डिंग क्वार्टर क्वार्टर वाई थोड़ा बहुत डाउन है बट प्रॉफिट में डाउनफॉल है बट सेल में ग्रोथ देखने को मिली है बट ईयर ए वाई प्रॉफिट और सेल दोनों में इजाफा देखने को मिल रहा है अब इसका और क्या है इसके अंदर मार्केट कैप देखते हैं इसका तो इस अब इसका मार्केट कैप हो गया दो सौ इकहत्तर करोड़ रुपये का स्टॉक पी सेवन पॉइंट एटी सिक्स का हो गया स्टॉक आर ओ सी इसका एट पॉइंट नाइन्टी वन परसेंट हो गया बुक वैल्यू छत्तीस सौ की हो गई है रिटर्न ऑफ़ इक्विटी छब्बीस परसेंट की हो गई है और डिविडेंड कंपनी अभी तक दिया जीरो पॉइंट सेवेंटी नाइन परसेंट और फेस वैल्यू इसकी दस रुपये की है कंपनी ऑलमोस्ट अपनी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मेंटेन रखी है नाइन्टी टू परसेंट के हिसाब से पाँच साल की बस एक ही अच्छा पॉइंट इसके अंदर अब इसके अंदर और क्या है देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें पॉजिटिव साइन एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में और देखने को मिला इस इस... इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखिए लास्ट क्वार्टर के शेयर होल्डिंग थी 58.17 थी वो बढ़ के हुई है फिफ्टी तो देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी एक पॉजिटिव साइन सेकंड पॉजिटिव साइन एफ की होल्डिंग जीरो थी हमेशा से काफ़ी टाइम से तो इस क्वार्टर में एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई जीरो वो भी अच्छा पॉइंट है और डी ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी इस क्वार्टर में जीरो तो ये इंडिकेशन तीन इंडिकेशन हमारे को मिले कि इस क्वार्टर में एफ ने डी ने और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है एफ आई एस ने न्यू एंट्री मारी है डी आई एस ने भी एंट्री मारी है, इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के अंदर तो ये इंडिकेशन हमारे को देखने मिले मिला तो इस वजह से और तेजी देखने को मिलेगी अब तेजी कहाँ तक जाने वाली है उसके बारे में बात करते हैं तो आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा ये देखिए नाम के ऊपर तो कोई संदेह नहीं है कंपनी के ऊपर कंपनी करती क्या है तो देखिए आज ये ओपन होता है एक सौ सत्ताईस पॉइंट चालीस पैसे पे आज एक परसेंट की तेजी के साथ ये बंद हुआ ओपन होता 40 हाँ हाँ 37, है एक सौ सत्ताईस चालीस पैसे का हाई मारा है एक सौ अट्ठाईस नब्बे पैसे का लो मारा एक सौ चौबीस पंद्रह पैसे का फिफ्टी टू का एक सौ सैंतीस फिफ्टी टू लो है इकतालीस रुपए बीस पैसे का पाँच दिन के अंदर भी तक इसने हमारे को तीन परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में वन मंथ के अंदर भी ने बासठ परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में सिक्स मंथ के अंदर विदिन ने पचासी पॉइंट परसेंट रिटर्न दिया हमारे को पॉजिटिव में ईयर टू डेट के अंदर तो चौदह परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में अब चलते इसके अंदर और क्या पॉजिटिव साइन है तो इसका मैंने डेली चार्ट ओपन कर डेली पे एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ इसमें गिरावट के इंडिकेशन नहीं देखिए रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को मिला रिजल्ट के बाद अब इसमें इंडिकेशन क्या चल रहे हैं देखिए अभी भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं तो इसमें आप 120 के स्टॉप लॉस को बना के चलिए 120 के स्टॉप लॉस को जल्दी से ब्रेकआउट नहीं करेगा 120 के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट लगा हुआ है तो 120 के स्टॉप लॉस लेके अभी भी इसमें बाय कर सकते हैं तो यहाँ से जो पहला टारगेट मेरा निकल के आ रहा है वो आ रहा है सौ पैंतीस रुपये का एक सौ पैंतीस का क्यों क्योंकि जो हडल है इसका एक सौ छत्तीस का हडल है तो यहाँ से अब तो ये रिजल्ट का इंपैक्ट देना रहे हैं और पहला टारगेटेट सौ पैंतीस का एक सौ पैंतीस जैसे तोड़ेगा तो दूसरा टारगेट है मेरे एक सौ चालीस का और डेढ़ सौ रुपये का मेरा तीसरा टारगेट है तीसरा टारगेट अपना डेढ़ सौ रुपया डेढ़ सौ तीसरा टारगेट क्यों है देखिए इधर एम एस सारे इंडिकेशन है पॉजिटिव में है। और अब ट्रेंडिंग तरफ है देखिए यहाँ पे एक सौ पचासी के बाद जो उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला अभी भी डाउनफॉल का कोई ब्रेकआउट नहीं है और जो आज ये हैमर कैंडल बनी है ऊपर की साइड क्लोज हुई है इसका मतलब तेजी जी को इंडिकेशन कर रही है अब इसमें देखिए थोड़ा वीकली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको तो वीकली चार्ट पे देखेंगे हम इसके तो क्या इंडिकेशन निकल के देखिए तो वीकली चार्ट पे देखिए इस वीक इस कैंडल को मैंने 110 के इस कैंडल को देखिए बुलिस के साथ एक बुलिस कैंडल बनी है अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ है वीकली पे और वीकली पे देखिए अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है और शेयर अपने अपने थ्री इयर्स के हाइस पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर वो दिखाता हूँ कैसे देखिए थोड़ा सा क्लोज करता हूँ मैं इसको तो वीकली चार्ट पे तो इंडिकेशन है राउंडिंग पैंडल पूरा बन चुका है ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग राउंडिंग पैटर्न पूरा बन चुका देख सकते हैं आप किस तरह से और पूरे इंडिकेशन हमारे अब ट्रेंडिंग था और अब तेज़ी होगी क्योंकि रिजल्ट जो अच्छा रिजल्ट का भी इम्पेक्ट देखने को मिला है रिजल्ट काफी सही आया है ज़्यादा गिरावट नहीं रिजल्ट के अंदर और सेल में इजाफा देखिए ये हडल बना हुआ है यानी कि दो के अंदर इसमें हडल बना था ये एक का हडल है देखिए एक का लेवल तो डेफिनेटली तोड़ देगा ये दस से पंद्रह दिन में आपको डेढ़ तक के लेवल दिख जाएंगे आपके पास है तो ऐसे होल्ड करिए फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो एक सौ बीस के स्टॉप से बाय करिए पहला टारगेट एक का दूसरा टारगेट एक सौ का तीसरा टारगेट डेढ़

तो अभी भी आपके पैसे होल्ड रखिए बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल पे तो लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो